हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक टर्म सिंबल्स एंड स्पेक्ट्रा इन ओडिशन केमिस्ट्री, बेसिक पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, लेक्चर फोर। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड दैट what is the quantum numbers and how can we calculate the resultant azimuthal quantum number or orbital angular quantum numbers. You know about that in our Hindi video, we will also that students is there, so we will use the both language. पहले वाले क्लासों में हमने देख लिया था कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उसके बीच में इंटरेक्शन, उसके बीच में एक प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस पे तीन प्रकार के हमने जो है कपलिंग युग्मन देखा था। कौन कौन सा था? एक तो चक्रण चक्रण युग्मन, और एक था कक्षक कक्षक यानी ऑर्बिटल ऑर्बिटल, तीसरा था ऑर्बिटल स्पिन यानी कक्षक चक्रण युग्मन। तो इस प्रकार से हमने रिजल्टेंट देखा था, उसको अपने रिजल्टेंट निकाला था। एजिमथल क्वांटम अगर स्मॉल अगर है, स्मॉल लेटर में है, तो हम डालते हैं कि वो 0, 1, 2, 3 के लिए हम स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ के रूप में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वापिस से हम उस अपने नोट्स को लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है वो काम में लिया जा सकता है। लेक्चर्स एंड विल डिस्कस हियर अबाउट टर्म सिंबल्स, देयरफॉर वेयर इज द लेक्चर्स देयर What is the e-content? E-content in presenting desktop. We will open it. Now BSc part third. Therefore, this is the spectra of term symbols. Okay. We will discuss here about resultant orbital एंगुलर मोमेंटम इज लिमिटेड बाय कैपिटल एल, और इससे रिलेटेड जो चीजें निकल के आती है उसे कहते हैं क्या, एनर्जी स्टेट्स। क्योंकि स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हमने एक एनर्जी स्टेट दूसरे एनर्जी स्टेट की बात करनी पड़ेगी, ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर स्तर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से रिलेटेड जो एनर्जी स्टेट्स थी उसके बारे में देख लिया था। अब बात कर रहे हैं कि करके इसके कपलिंग युग्मन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से ये कपलिंग करते हैं, क्या देखेंगे, क्या कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कि चक्रण जो आपका कक्षक कोणीय आघूर्ण था उसका युग्मन किस प्रकार से होता है, एक इलेक्ट्रॉन से अधिक एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो किस प्रकार से वो एक दूसरे को कपल करेंगे, उस कपलिंग के बारे में, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो रिजल्टेंट के बारे में देख रहे हैं। क्या टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा और कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। पहला हम ले रहे हैं केस P2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी P2 विन्यास के अंदर, यानी P ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे एग्जांपल सकते हैं कार्बन एटम। तो कार्बन एटम से रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज हम जानते हैं, उसके बारे में देख चुके हैं, तो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दिख रहा है सामने आपको। और फिर हम देखे चलते हैं कि जो पी और फोर पी ऑर्बिटल है उसके लिए एल इजकल टू, अगर हम स्मॉल एल की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है, और इससे रिलेटेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट यानी कक्षक कोणीय आघूर्ण जो होगा वो होता है n h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम होता है यहाँ पे, n चेंज होता है, n इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे
जो कार्बन नंबर है तो माना जाएगा, तो एच अपॉन टू पाई अपना दिया जाए। एंड इट इज शो एज एरो ऑफ यूनिट लाइन, और इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है उसको हम एक लाइन के द्वारा, एक एरो के द्वारा, एक तीर के द्वारा हम नोट करते हैं। और क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है वो एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है, अपना बात करते हैं कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन, अगर उसके ऑर्बिटल्स के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से चारों इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसके जो कक्षक कोणीय संवेग जो है, कक्षक कोणीय आघूर्ण है, उसकी डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में है दोनों इलेक्ट्रॉन की, तो आप यहाँ देख सकते हो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखो, उसके बाद में ये देखो दोनों डायरेक्शन एक ही दिशा में है, ऐसे करने में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमें जो है क्या मिलेगा, रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। और रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, वन और वन दोनों की दिशा में से दोनों एडिशन हो जाता है, रिजल्टेंट मिलेगा कैपिटल एल, इज द एनर्जी स्टेट्स, कैपिटल एल हो जाएगा आपका टू, क्या हो जाएगा एल इज टू टू, और इससे रिलेटेड जो स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल पी बोलते हैं। आया समझ में, क्या किया अपन ने कि ये एक प्रकार का एरो के द्वारा इसका ऑर्बिटल एंगल नोट करते हैं, कक्षक कोणीय जो आघूर्ण है उसको मोमेंटम जो है उसको हम उसको उसको एक एरो के द्वारा शो करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो दोनों का, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो रिजल्टेंट देखा जाएगा, इसमें दो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दो आपको मिल रहा है। इसी तरह से यदि हमारा एक की डायरेक्शन इस प्रकार से है, दूसरे की डायरेक्शन थोड़ी सी 60 डिग्री पर है, तो ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, रिजल्टेंट ये होगा, और रिजल्टेंट हमें जो है देखने को मिल रहा है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वन वन वन, तो रिजल्टेंट भी वन मिलेगा। आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, एल इजिकल टू वन, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी, तो स्टेट क्या हो गया, पी स्टेट, ठीक है, पी स्टेट हमें मिल गया। इसी तरह से L इजकल टू वन और L इजकल टू वन इधर भी है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, स्टूडेंट देखिए, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों वो वेक्टर क्वांटिटी होने का एक दूसरे को कैंसिल कर देगी विपरीत दिशा में होने के कारण, इसलिए क्या आ जाएगा, L इजकल टू जीरो और हमें मिलेगी S स्टेट, क्या मिलेगी, S स्टेट हमें मिलती है। इस प्रकार से हमें तीन स्टेट हमें L इजकल पी पी टू कॉन्फिगरेशन मिलती है, कौन कौन सी, डी पी और एस, SPD स्टेट हमें मिल गई। इस प्रकार से द वे आगे चले, आगे देखते हैं, डिस्कस नेक्स्ट लेटर से देखो, द वे इन विच द एल वैल्यू ऑफ फॉर टू पी ऑर्बिटल्स में इंटरैक्ट विद ईच अदर अदर आर शो इन वेक्टर डायग्राम, शो कर लिया अपन ने। तो वेक्टर एल मस्ट बी एट एन एंगल टू ईच अदर सच दैट द रिजल्टेंट इन होल नंबर ऑफ क्वांटम एंड इन विच एल इज इक्वल टू वन फॉर पी स्टेट, फॉर पी स्टेट। तो यदि हमारी एल इज इक्वल टू जो है हमारा एन एंगल है और एक एंगल इस प्रकार नोट करते हैं, इस प्रकार तो रिजल्टेंट जो उसका निकलता आपने देख लिया, 60 डिग्री का उसके अंदर एंगल था, तो एंगल होने के कारण जो एल होगा वो एल रिजल्ट करेगा वन निकलेगा, वन निकलेगा। इसी तरह से पी थ्री कॉन्फिगरेशन के लिए हम देखते हैं, तो पी थ्री कॉन्फिगरेशन के लिए हमें पी टू निकाल लिया है, तो पी टू निकालने के बाद उसको प्लस एड किया है एक, पी टू का हमने निकाल लिया कॉन्फिगरेशन, पी टू का हमने स्टेट निकाल ली, उसके बाद बच गया उसके एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया है, इसलिए P2 को हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट लेके चल रहे हैं और एक L को उसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि P2 हम निकाल चुके हैं इसलिए हम P2 को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्या कि जो एक P2 था उसका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है, L इक्वल टू आ गया था एक ही डायरेक्शन से, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी डायरेक्शन सेम है तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो थ्री आ जाएगा और उसका रिजल्टेंट स्टेट मिलेगी F। इस तरह से एक रिजल्टेंट L2 है और इसके अंदर जो है 1 है,
ये वन है, ये टू है, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, टू ही निकलता है, तो आजकल टू टू आ जाएगा। टू के बाद में डी स्टेट, उसके बाद में दोनों अपोजिट है तो टू माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा, तो पी स्टेट कितने आ गए, पी डी एफ, तीन स्टेट आ गई पी डी एफ। तो इस प्रकार से एनर्जी स्टेट्स हो गई, रिजल्टेंट एल कैपिटल एल से निकली है। ओके आगे चले, चले माय डियर स्टूडेंट्स आगे चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमने पी टू कॉन्फिगरेशन निकाल लिया, पी थ्री निकाल लिया, अब निकालते हैं हम बात करते हैं कि इस प्रकार से अगर एल इज इक्वल टू वन था और वन के बाद में एल इज इक्वल टू टू था, सॉरी, और इसके बाद में एल इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं, वन वन देख रहे हैं और वन और वन, तो एल इज इक्वल टू टू, वन वन के लिए एल इज इक्वल टू वन और वन वन के जीरो। इस प्रकार से स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, और एल इज इक्वल टू जीरो के लिए देखें क्योंकि तीन स्टेट मिली है अपन को, एल पी टू से रिलेटेड, पी टू कॉन्फिगरेशन विन्यास से रिलेटेड तीन स्टेट मिली थी, जीरो वन और टू। तो वन बाय वन वो दो पी टू की जो थी, वह नया जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है उसके साथ में वन बाय वन इंटरेक्शन करेंगे। पहले आपने देखा पी टू एल इजिकल टू टू था जब, फिर एल इजिकल टू वन था जब, फिर एल इजिकल टू जीरो था जब। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है ये मिलता है और हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखें इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे एल इजिकल टू जीरो के लिए निकाला, तो एल इजिकल टू केवल क्या है, वन है। इस प्रकार से टोटल कितने आगे इसके स्टेट हम जा सकते हैं, जीरो यानी पी, दो पी आ गए हैं, तीन पी हो गए हैं, दो डी हो गए हैं और एक एस और एक एफ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये इसकी एनर्जी स्टेट्स होगी। कौन सी एनर्जी स्टेट स्टेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, वो हम आगे जो हुंस रूल है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके इनऑर्गेनिक में हुंस रूल अलग से चलता है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, चले चलिए, इस प्रकार से हमने जो है ये देखा और अब आगे चलते हैं। अगर देखें ड्यू टू कॉन्फिगरेशन के लिए, अब डी टू कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, तो एल इजिकल टू डी टू कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं। तो डी टू कॉन्फिगरेशन के लिए डी ऑर्बिटल डी इलेक्ट्रॉन हैव द टू इलेक्ट्रॉन, सो एरो आर डबल लेंथ, तो एरो क्या हो जाएगी, डबल लेंथ की। एल इजिकल टू टू और एल इजिकल टू टू है तो जो उसकी एरो यानी इसकी जो एरो को हम जो शो कर रहे हैं मैनुअली उसको डबल लेंथ के, और उसको पहले वाली जो एल इजिकल टू वन थी, स्मॉल एल इजिकल टू वन थी, उसकी डबल एरो से शो कर रहे हैं, एल इजिकल टू टू, एल इजिकल टू टू, तो एल इजिकल टू फोर, ओके बोला एल इजिकल टू फोर मिल गया। एल इजिकल टू अगर हम इसको एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एंगल के अकॉर्डिंग हमें जो है मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एल इजिकल टू टू, एल इजिकल टू टू और एल इजिकल टू क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एल इजिकल टू थ्री, क्योंकि ये इसका जो गैप है 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल होने के कारण हमें जो यहाँ पर रिजल्टेंट जो मिल रहा है लगभग यहाँ मिलता है थ्री के आसपास। ठीक है, इस प्रकार से हम एल इजिकल टू टू और एल इजिकल टू टू को देखते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो टू आएगा। इस प्रकार से हमें स्टेट जो मिल रही है वो स्टेट क्या मिल रही है, स्टेट मिल रही है हमें जी एफ और डी, जी एफ और डी स्टेट हमें। उसके बाद अगला आगे देखते हैं, इस प्रकार से एल इजिकल टू टू और एल इजिकल टू टू है, पहले दो का गैप था, पहले तीन का गैप था, फिर दो का गैप आ गया है ना, पहले तीन का गैप था यहाँ से यहाँ तक, ओके, जब तक जीरो नहीं होता तो देखते रहते हैं अपन, और फिर मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है अब जो है गैप आएगा वो दो का हो गया है, अब जो गैप आ रहा है वो वन का हो गया है, और अब रिजल्ट अब जो अपोजिट होने के कारण जीरो हो जाएंगे। इस प्रकार से एस पी डी एफ जी, तो हमें पांच ऊर्जा स्तर एनर्जी स्टेट्स हमें यहाँ डी टू कॉन्फिगरेशन के लिए रिजल्टेंट के रूप में मिलते हैं। कपलिंग युग्मन के बाद में हमें इस प्रकार से रिजल्टेंट मिलता है, और रिजल्टेंट को देखते हुए किसी भी जो है कॉन्फिगरेशन के लिए हम ये स्टेट निकाल सकते हैं। बस ये एक तरह का तरीका है जिससे कि हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से है एक से अधिक एनर्जी स्टेट्स को हम निकालने का तरीके हैं, और इन तरीके को वेक्टर क्वांटिटी मानते हुए एंगुलर क्वांटम नंबर क्वांटम एंगुलर जो आपका है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसको हम इसके रूप में देखते हैं, और इसलिए जो हमें
D2 के लिए, D3 के लिए, P2 के लिए, D3 और सबके लिए हम जो है एंगुलर क्वाड्रेंट द्वारा इसकी स्टेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टेट फाउंडर होने के कारण ये एनर्जी स्टेट्स है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी एनर्जी स्टेट स्टेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, इससे रिलेटेड टर्म सिंबल्स निकालेंगे। अब हमारा बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है कि क्यों हम एनर्जी, क्यों हम टर्म सिंबल्स को निकालना चाह रहे हैं। उससे पहले एनर्जी स्टेट्स क्यों देखना जरूरी था। अब इससे रिलेटेड हमें टर्म मिलेगी, वो टर्म जिससे कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाया जा सके, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट या कौन सी टर्म थी वो ऊपर से एनर्जी स्टेट नीचे वाली है, कौन सी स्टेबल है, कौन सी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें दो ऊर्जा स्तर मिलेंगे, और उस ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन होगा, और वो ट्रांजिशन किस पर किस रेंज की सेंटीमीटर यूनिवर्स के अंदर वो एब्जॉर्व करता है वो। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।